आज हमारा बच्चा पूरे 7 महीने का हो गया है। अगर आज हम अपने घर वालों के साथ होते तो वो हमारी गोद भराई करते। हम भी तो तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारा परिवार है, और हम करेंगे तुम्हारी गोद भराई। थैंक यू सर, हमें बहुत अच्छा लगा कि अब इस घर में डिम्पी की केयर करने वाला कोई और भी है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? देखो प्लीज रो मत, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। यू नो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। तुम ये क्या नॉनसेंस है? नॉनसेंस तो वो थी जो आपने मेरे साथ किया और हमें इस हाल में अकेले छोड़ दिया। ऐसे क्या देख रहे हैं? हमने सच कहा है, आज हमारी जो भी हालत है ना, तो आपके कारण। हमारे इस कोख में आपका बच्चा है। सिर्फ तो यहाँ पे है भी नहीं। सिर आशी ने अगर आपको हमारे साथ देख लिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा। प्लीज आप मत जाइए, प्लीज 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 मत जाइए। आशी आ रही है, जल्दी छुपो। क्या कर रही हो, छोड़ो। आशी आ रही है, चलिए। हाँ निधि, निधि सिर नहीं है छत पे, तूने कहाँ भेज दिया उसको? चल छोड़, हम नीचे आ रहे हैं। बस बस डिब्बी, बहुत हो चुका, मुझसे दूर रहो। और ये बच्चा मेरा नहीं है, समझी? समझ तो आप नहीं रहे, हमारे कोख में आपका बच्चा है। फुराती याद है? Yes, guys. Yes. Yes. Sid भाई, इतना बड़ा डील क्रैक किए हो तुम। तुम्हारा पार्टी है ये, तो पूरी तो पीली बनती है। क्यों गाइस? कहाँ है मना? हम बनाते तुम्हारे लिए, हम बनाते तुम्हारे, हम तुमको बोतल से पिलाएंगे। रुको, लेकिन एक बात और नहीं जानते आप, टॉप सीक्रेट है। बताओ। बोलो। आई लव यू, आई लव यू सिद सर। हम ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। सिद सर, हम वॉशरूम जाके आए। ये वॉशरूम कहाँ है? हम अभी वॉशरूम से आते। नहीं यार, तुमको थोड़ी पीने के लिए बोली थी। कंट्रोल नहीं होता तो कहाँ इतना ज्यादा पीते हो बे? मैंने पी, तूने पिला दी इतनी। ठीक है भाई, गलती हो गई हमसे, ठीक है, नहीं पिलाएंगे आगे से। जा रहे, बाय। पिंपी, तुम यहाँ? वो वॉशरूम आए थे। उस दिन तो आप नहीं माने थे, लेकिन अब तो मान जाइए
हमारी कोख में आपका ही बच्चा है। उस रात कुछ ऐसा कुछ कुछ नहीं हुआ था हमारे बीच, कुछ नहीं। आप 100% श्योर है? हमारे साथ जो भी हुआ वो हमारी किस्मत थी। हम खुद को या हमारे बच्चे को आप पे नहीं थोपेंगे। हम जानते हैं कि आप आशी से बहुत प्यार करते। देखिए ना, हम जैसे अनजान को अपने घर लेके आ गए, लेकिन हमें नहीं पता था कि आप यहाँ पे हमें, अगर हमें पता होता कि आप हमें यहाँ पे मिलोगे तो हम यहाँ पे नहीं आते कभी भी। क्या तो नहीं चल के आप क्या बोले हम? अच्छा ये तो बताओ, तुम कब अपने बेटे और बहू की शादी और खुद भराई की दावत दे रही हो? कहीं कोई खोट तो नहीं है? तजुर्बा है, ग्रह नक्षत्रों का फेर चल रहा है। हम तो कहते हैं आशी की कुंडली ना एक बार पंडित जी को दिखा दो। याद नहीं तुम्हें कि सिद्ध की बचपन में शादी करा दी थी तो सिद्ध पानी में बह गया था, और अब इतने साल बाद आया है फिर भी देखो ना घर में शांति नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मैं तो कहती हूँ एक बार आशि की कुंडली पंडित जी को दिखाई दो, क्या हर्ज है उसमें? सॉरी काकी माँ। सॉरी काकी माँ। ओए भाई से बात हुई क्या? हमसे दूर दूर क्यों है? बात क्या है? इतना नाराज है हमसे? ग्रह नक्षत्रों का फेर चल रहा है। आशी की कुंडली ना एक बार पंडित जी को दिखा दो। याद नहीं तुम्हें कि सिद्ध की बचपन में शादी करा दी थी तो सिद्ध पानी में बह गया था, और अब इतने साल बाद आया है फिर भी देखो ना घर में शांति नहीं है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है। हमें ये करना ही होगा। हे प्रभु, हमारे घर पर, हमारे बेटे पर कोई भी आफत मत आने देना। रक्षा करना प्रभु, हमारे बेटे की रक्षा करना प्रभु। इतनी रात अमृता भाभी का फोन। नमस्ते अमृता भाभी, सब ठीक है ना? नमस्ते भाई साहब। हाँ सब ठीक है। वो भाई साहब हमें आशी की कुंडली चाहिए थी। आशी की कुंडली? ऐसे अचानक क्यों? वो क्या है कि दोनों की शादी करवाए उससे पहले हम दोनों की कुंडलियां मिलवाना चाहते थे। भाई साहब आप तो जानते ही हैं ना, जब इन दोनों की बचपन में शादी हुई थी आपने और अमित जी ने दोनों की कुंडलियां नहीं मिलवाई थी, और नतीजा तो आपके सामने है, आपने देखा क्या हुआ। तो इस बार शादी करवाने से पहले हम चाहते हैं कि हम दोनों की कुंडलियां मिलवा दें। अगर कुंडली में कोई दोष है तो हम उसका उपाय भी निकाल सकते हैं ना, बस इसलिए। जैसा आपको ठीक लगे, हम कल ही किसी के हाथ आशी की कुंडली भेज देंगे। अब भाई साहब एक और बात, इसके बारे में आप अमित जी को कुछ मत बताइए। आप तो जानते हैं ना आशी लाडली है उनकी, उन्हें
पता चलेगा तो हमें ये सब करने नहीं देंगे। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, रखते हैं। अमृता, तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो अभी तक जाग रही थी, सोई क्यों नहीं? वो बस ऐसे भगवान जी से प्रार्थना कर रहे थे। इतनी रात को? भगवान जी से प्रार्थना करने के लिए रात और दिन थोड़ी देखा जाता है। आप चलिए ना, बहुत रात हो गई, चलिए। राम से क्या हुआ तुझे? सॉरी, तू नींद में क्यों चल रही है? नींद में नहीं चल रही हूँ बाबा, वो हम विद्या दी के साथ रूम शेयर करते हैं ना, और वो रात भर अपने मेकअप के रील्स बनाती रहती है और हमें नींद ही नहीं आती, पूरी नींद नहीं होती हमारी, और इस चक्कर में दिन खराब हो जाता है। चल कोई ना, जा जाके ब्रश कर ले और सुपर फ्रेश हो जा। ओह गॉड, कॉलेज के लिए लेट हो रही हूँ, अभी नेल पेंट भी नहीं लगाई और बाल भी कर्ल नहीं करे। दी, आपके चेहरे पे लग जाएगी, जल जाएगा। तो हेल्प करना, एक काम कर, तू हेयर स्विंग बना कर दे, कर्ल मैं खुद कर लूंगी। हम आपके बाल पूरे ही कर्ल कर देते हैं ना। कलर पकड़ने भी आता है क्या? हेलो, हाँ विद्या। नहीं 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 नहीं, एक सेकेंड, ये पकड़ना। विद्या दी, विद्या दी, आप, विद्या दी, दी विद्या दी, दी, हमने हमने तो बस अभी कलर हाथ में लिया। Just shut up! जान पूछ कर किया ना तुमने ये? माँ, माँ देखो ये आशी। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? माँ देखिए ना, इस आशी ने मेरे बाल जला दिए। कहा कि माँ विद्या दी बाल कर्ल कर रही थी, हम तो बस उनकी मदद कर रहे थे। रोज रोज एक नया तमाशा, जिंदगी में बवाल मचा के रख दिया है तुमने। कोई काम ढंग से होता नहीं है क्या तुमसे? माँ, आपने इसका मुंडन कराने की कोशिश की थी ना, इसने उसी का बदला मेरे बालों से लिया है। दीदी क्या बोल रही हो आप, ये सब गेम खेलना है, ये सब आशी नहीं करती है। सही कह रही है निधि, आशी ऐसा कर ही नहीं सकती है। अरे क्या हुआ, क्या तुम क्यों फिर सुबह सुबह इसके पीछे पड़ गई? हम पीछे नहीं पड़े, ये पीछे पड़ी है हमारे। आपकी लाडली ने हमारी बेटी के बाल जला दी, अब इसे डांटे नहीं तो क्या इसकी आरती उतारे? अजीब बेटा, हम जानते हैं कि तुमने जानबूझ के कुछ नहीं किया होगा, लेकिन हुआ क्या था बेटा? बाबा, हम बस विद्या दी की हेल्प कर रहे थे, विद्या दी अपने बाल कर्ल कर रही थी, उनके पास उतने में किसी का फोन आया, हम उन्हें बताने की कोशिश भी कर रहे थे कि उनके बाल जल रहे, बट शायद दी सुन नहीं पाई, जितने में दी ने देखा उतने में के बाल जल गए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब विद्या ने दी, चलो जाओ नाश्ता करो। जाओ आशी, तुम चलो हमारे साथ कमरे में, हमें बात करनी। आशी बेटा, तू तो जानती है ना कि विद्या में कितना बचपना है। बाबा आप चिंता मत कीजिए, हमें किसी बात का कोई बुरा नहीं लगा, हम ठीक है। मैं भी आता। La 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 la
ठीक हो? आशी, बीने और माँ ने जो भी बोला उसके लिए आई एम सॉरी. आई नो तुम्हें बुरा लगा. वो सब हमारे अपने अपनों की बात का बुरा नहीं लगता हमें. हाँ, कुछ और है जिसका बुरा लग रहा है हमें. किस बात का? कल का पूरा दिन निकल गया. आशी, दिन तो निकलने के लिए ही होता है. हाँ, पर कल कुछ था जो नहीं हुआ. वो क्या? हमारी बात. सिट, कल से तुम हमसे बात ही नहीं कर रहे हो. नाराज हो? नहीं तो. हो. सिट, देखो हमने तुम्हारी दी हुई पायल भी पहनी है. अच्छा, हम जानते हैं तुम हमसे क्यों नाराज हो. हमने तुमसे अपने दिल की बात नहीं कही. वो इजहार नहीं किया, इसलिए हमसे नाराज होना. तो आज हम तुमसे वो कह देंगे जो तुम सुनना चाहते हो. आए आशी दी, आपको मालकिन ने बुलाया था ना, वो बहुत गुस्सा हो रही है. हाँ, हम अभी आते हैं. सिट, हम तुमसे वो कहने जा रहे थे जो तुम कब से सुनना चाह रहे हो. उसके बाद भी तुम एक्साइटेड नहीं हो. क्या बात है सिट? हम जानते हैं तुम्हारा दिल किसी चीज को लेके बहुत परेशान है. बोलो ना सिट. वो एक अर्जेंट कॉल आ रहा है आशी. सिट, तुम्हारे दिल को एहसास है से कि तुम्हारे दिल में कोई तो एहसास है जो तुमको तुम ही से चुरा रहा है. इसलिए तुम हमसे नजरें चुरा रहे हो ना. सिट, तुम अपने दिल की बात हमसे कर सकते हो. हम पे विश्वास करो. ऑफ कोर्स तुम पे विश्वास है आशी, अपने आप से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा. लेकिन मैं चाह के भी तुम्हें कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मुझे खुद नहीं पता कि आखिर सच क्या है. अरे कहाँ गए थे? हम मंदिर गए थे. ये प्रसाद. नो, नॉट माय डाइट. मैं डाइट पे हूँ, सॉरी. अंकल. हाँ, खुश रहो. ओ माय गॉड कुंदन, तुम्हारी सैलरी के हिसाब से तुम्हारी बहुत कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं है? क्या विधि. मेरा मतलब एक्चुअली आप भी धोखा खा गए ना. ये सेकेंड हैंड वॉच है, मैंने कल ही खरीदी. कुंदन. हाँ. तू मुझे डायरेक्ट स्टोर पे मिल. ओके. हम भी साथ चलते हैं, तुम्हें छोड़ देंगे. हेलो अमृता जी, हमें प्रधान साहब ने भेजा है, आपको कुछ देना है. आपके घर के बाहर ही खड़े हैं हम. हम अभी आते. लगता है विनोद भाई साहब ने आशी की कुंडली भेजी है. आपको कुछ देना है, आपके घर के बाहर ही खड़े हैं हम. हे राम जी, वो आदमी बाहर ही खड़ा है, कहीं सिद्ध या अमित जी उसे देख ना ले. सिद्ध, बेटा आओ ना. बेटा आओ हमारे साथ, आओ. एक मिनट, एक मिनट. आशी, जाकर मिर्ची ले आना किचन से. हाँ. हमें कैसे भी करके इनके निकलने से पहले वो कुंडली लेनी ही होगी. हम इसे बाहर फेंक कर आते हैं और जब तक हम वापस ना आए तब तक कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा. जी.
दो हमें। जा। हाँ बेटा अब अच्छा ठीक है माँ। बाबा चले सिट, मैं भी आता हूँ। अब निधि विद्या तुम दोनों भी जाओ कॉलेज। इन बालों के साथ कॉलेज बिल्कुल नहीं, मैं तो पार्लर जा रही हूँ। साफ कर लो। हम अभी मॉप लेके आते हैं। आशी हम भी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। भगवान हमारी कमर। आराम से हमारी कमर तोड़ दी, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तुम क्या करे? छोड़ो हमें। सॉरी काकी माँ। अब क्या खड़े खड़े हमारा मुंह देख रही हो? ए भगवान, जाओ वो क्या वो दर्द वाला स्प्रे होता है वो लेकर आओ। हम अपने रूम में से लेके आते हैं। नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे रूम से नहीं चाहिए हमें कुछ भी। वो सालों से इस्तेमाल करते हैं हम, वो बाजार से ले आओ, मिल जाएगा तुम्हें। जाओ। हे माँ, हम भी ले, हम भी आते हैं। कतई जहर। अब जल्दी से पंडित जी को बुला के आशी की कुंडली दिखा देते हैं। अगर हमारे घर पे आशी नाम की पनौती लगी है तो हमें पता है उस पनौती के साथ हमें क्या करना है। ध्यान से सुन लो आशी, हमारे बेटे की भलाई के लिए मंदिर के 108 फेरे लगाने होंगे, वो भी घुटनों के बल। आशी क्यों कर रही है ये सब? अगर काकी को ऐसा लगता है ना कि हमारे तप करने से सिर ठीक हो जाएगा तो हम ये तप करेंगे।